हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर में कोरोना के साथ एक और संकट, भाजपाइयों ने दिया जालौर डीएम हिमांशु गुप्ता को ज्ञापन। भाजपा जिला अध्यक्ष राव श्रवण सिंह बोर्डली के नेतृत्व में भाजपाइयों ने उठाई आवाज। ज्ञापन में राव ने बताया कि जिले के नेहर क्षेत्र एवं जिले के बड़े भूभाग में गर्मी के कारण पेयजल संकट उत्पन्न हो गए हैं। ऐसी आपातकाल की स्थिति में जलदाय विभाग का स्टाफ इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। भाजपा जनता पार्टी जिला अध्यक्ष राव श्रवण सिंह बोर्डली ने मुख्यमंत्री गहलोत के नाम जिला कलेक्टर जालौर को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर जिला प्रमुख वन्ने सिंह गोयल, जिला आईटी संयोजक अमन देवेंद्र मेहता, जालौर नगर अध्यक्ष सुरेश सोलंकी, हेमेंद्र सिंह बगेड़िया, पार्षद दिनेश महावीर मौजूद रहे। इस दौरान जिनवदानी नर्मदा नहर की सभी वितरिकाओं में पर्याप्त पानी देने की मांग की गई। साथ ही राज्य सरकार से मांग की कि आम जन के हितों को ध्यान में रखकर बिजली के 3 माह के बिलों को माफ करवाए, जिससे कि राज्य के लोगों को इस विकट परिस्थिति में कुछ राहत प्राप्त हो सके। रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवर और अन्य पर किए गए मुकदमे को वापस लेने की भी मांग की। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।